हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर बैंक निफ्टी एनालिसिस वीडियो। तो आज हम लोग देखें कल यानी कि 1 दिसंबर को नया मंथ स्टार्ट हो रहा है, नया कैंडल फॉर्म होगा ऑन मंथली बेसिस। तो कल हम लोग देखेंगे बैंक निफ्टी के अपने कौन से बाइंग और सेलिंग लेवल्स रहे और कल एक्सपायरी भी होने वाला है, उसके साथ एक गुजरात इलेक्शन भी कल है, तो मार्केट चांसेस है कि कल वोलेटाइल हो सकता है मार्केट, और हम लोग डिटेल में देखेंगे। अभी हम लोग डेली चार्ट पे देख सकते हैं कि कल जो फॉर्म हुआ था इन्वर्टेड हैमर कल फॉर्म हुआ था, लेकिन एक्टिव हुआ नहीं, उसके नीचे अपने को बैंक कंसोलिडेट करते हुए दिखा। 43,000 से लेके 42,900 के बीच में आप बहुत ही अच्छा खासा टाइम स्पेंड करने का बैंक निफ्टी ने अच्छा सा बेस बनाया। उसके बाद अपने को इमिडिएटली बाइंग देखने मिला ऑलमोस्ट 2 बजे के बाद में, ठीक है। तो इसलिए मार्केट में हमेशा स्टॉप लॉस के साथ काम करो, आपका रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट होना चाहिए, नहीं तो स्टॉप लॉस के बिना काम करोगे तो एक ट्रेड में आपके 10 ट्रेड का प्रॉफिट भी जाने के लिए टाइम लगेगा नहीं, ठीक है। तो अभी हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी रेंज बनाया बैंक निफ्टी ने, कि यहाँ पे आप देख सकते हो एक हायर लेवल पे यहाँ से अपने को एक सेलिंग मिलता है हमेशा, जो कि 43,350 एंड डाउन साइड है अपने को 42,750, ठीक है। तो ये एक रेंज में फंसा हुआ है बैंक निफ्टी, तो अभी 43,350 के ऊपर निकलो मेरा पहला इमीडिएट टारगेट हो जाएगा 43,500, एंड सेकंड टारगेट अपना हो जाएगा जो कि ऑल टाइम हाई को अगर क्रॉस कर देगा तो वहां से हम लोग और 150 to 200 पॉइंट का एक रैली देख एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि 43,700 तक जा सकता है। लेकिन इमीडिएट निकल जाएगा 43,000 जैसे फ्लैट ओपन होता है 43,200 से 43,300 के बीच में अगर बैंक निफ्टी ओपन होता है तो वहां से अपने को एक रैली देखने मिलेगा, तो 500 तक जाएगा, 500 के आसपास मैं वेट करूंगा। वहां पे अगर कंसोलिडेट करेगा तो 700 तक भी जा सकता है, लेकिन 500 के आसपास 15 मिनट्स में अगर ग्रीन कैंडल बनते लाइक 10 बजे के पहले 500 टच हो जाता है फ्लैट ओपन होने के बाद बैंक निफ्टी, तो 500 से एक अपने को सेलिंग देखने भी मिल सकता है। तो प्राइस एक्शन के साथ हम लोग ट्रेड करेंगे। ऐसे ही मैंने कल भी बोला था कि इन्वर्टेड हैमर बन गया, लेकिन वो एक्टिव होना चाहिए तभी अपने को प्रॉफिट अच्छा बड़ा मिल सकता है। तो उसके नीचे जो 900 का लेवल दिया था, 43,000 से 43,900 का एक रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल है, तो वो ब्रेक किया ही नहीं है, तो वहां से अपने को बड़े टारगेट्स हम लोग प्लान कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो अभी हम लोग 50 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं। तो 50 मिनट के चार्ट पे देख सकते हो कि बैंक निफ्टी एक रेंज में फंसा हुआ है 2-3 दिन से, आज भी इतना ब्रेकआउट दिया नहीं है हेल्दी, ठीक है। जैसे कि आप अपर साइड देख सकते हो 43,300 से लेके 350 से लेके 42,900 के आसपास ही बैंक निफ्टी ज़्यादातर टाइम स्पेंड कर रहा है, और यहाँ पे एक डबल बॉटम भी अपने को बनते हुए दिख रहा है। क्योंकि यहाँ से एक डबल बॉटम का थोड़ा सा अपने को साइन भी मिल गया था, जो कि रेजिस्टेंस जो प्रीवियस लो से हायर लो बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पे कंफर्मेशन भी था, लेकिन कंफर्मेशन के लिए हम लोग यहाँ पे वेट किए, और जो बाद में ऑलमोस्ट यहाँ पे हम लोग ने एक कॉल बाय करने भी दिया था, ठीक है, जो 80 पे बाय करने दिया, ऑलमोस्ट वो 106 तक का उसने हाई बना दिया है। तो कल अपने लेवल्स क्या होने चाहिए, कल हम लोग कहाँ से ट्रेड करेंगे? तो बैंक निफ्टी कल अगर फ्लैट ओपन होता है या फिर ऑलमोस्ट 43,300 से 200 के बीच में ओपन होता है, हाई रेंज पे अगर होल्ड करता है लेवल 300 के आसपास, तो चांसेस है कि 43,500 के लेवल्स भी अपने को इंट्राडे में इजीली देखने मिल सकते हैं। फर्स्ट इमीडिएट टारगेट वही हो जाएगा, और कल भी मैं इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ नहीं बैंक साइड में, अगर 43,500 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकल जाता है मॉर्निंग सेशन में तो मैं जाने दूंगा। मेरे मॉर्निंग सेशन में 500 तक के ही टारगेट है, 500 के ऊपर मैं ट्रेड करूंगा नहीं अगर निकल गया तो भी, लेकिन अगर 1 बजे या 12:30 1 बजे के बाद अगर 500 के ऊपर निकलता है तो मैं डेफिनेटली आई विल बी ऑन बैंक साइड, ठीक है। हम लोग कॉल बाई कर सकते हैं, और 43,700 to 750 के अपने टारगेट्स इंट्राडे में मिल सकते हैं, लेकिन मॉर्निंग सेशन में ही फ्लैट ओपन होने के बाद 500, 600, 700 चला जाएगा तो मैं 500 पे पूरा क्वांटिटी बुक कर लूंगा, उसके ऊपर मैं होल्ड नहीं करूंगा, ठीक है। उसका रीजन आपको कल ही पता चलेगा मार्केट में, ठीक है। सेलिंग साइड पे हम लोग स्टिल अपना जो पैनिक सेलिंग अपने को देखने मिलेगा वो 42,700 के आसपास, 42,777 के आसपास अपने को देखने मिलेगा, या फिर 42,900 के नीचे अगर निकलेगा तो वहाँ से अपने सेलिंग देखने मिल सकता है, जो कि अपने टारगेट्स हो जाएगा 42,500 के आसपास, ठीक है। लेकिन सेलिंग के यहाँ पे चांसेस बहुत ही कम है, जैसे कि फ्लैट ओपन होता है तो हम लोग 43,500 तक के टारगेट रखेंगे, अगर ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाते हैं ऑलमोस्ट 43,500 तो हम लोग प्राइस एक्शन का वेट करेंगे, 200 या 300 पॉइंट गैप अप ओपन हो जाता है, तो अगर ओपन होते ही अपने को बाइंग दिखता है तो हम लोग इमीडिएटली बाइंग का पोजिशन नहीं बना सकते, क्योंकि अगर बड़ा कैंडल बन गया तो अपने को स्टॉप लॉस रिस्क रिवॉर्ड अपना मैनेज होगा नहीं, तो उसके लिए हम लोग को वेट करना पड़ेगा प्राइस एक्शन के साथ। आज जैसे ही हम लोग ने एक पुट दिया था, पहला 5 मिनट का कैंडल बहुत ही ज्यादा ऊपर चला गया तो हम लोग ने वेट किया, उसके बाद हम लोग ने पुट लिया, उसका 115 का लो था और हम लोग ने 120 पे बाई किया था, उसने ऑलमोस्ट 270 तक का हाई बना दिया था,
ठीक है, तो हम लोग वेट करेंगे मॉर्निंग में, अगर ज़्यादा ही गैप अप ओपन हो जाता है तो, अगर फ्लैट ओपन होता है ऑलमोस्ट 43,000 के आसपास तो हम लोग वेट करेंगे, तो भी अगर 43,000 के आसपास अगर गैप डाउन ओपन होता है तो हम लोग वेट करेंगे, 43,111 के ऊपर हम लोग बाइंग कर सकते हैं, वहाँ से अपने टारगेट हो जाएगा 43,300 एंड 43,450 के अपने टारगेट्स हो जाएंगे, और 42,900 के नीचे जैसे ही निकलता है 43,000 के आसपास अगर ओपन होने के बाद, तो हम लोग वहाँ से छोटे छोटे टारगेट रख के एक सेल कर सकते हैं, लेकिन 42,700 के बाद अपने को एक सेलिंग साइड भी देखने मिल सकता है। बाकी अपडेट्स के लिए मैं टेलीग्राम पे ऑलरेडी अपडेट करते रहता हूँ, तो डू कमेंट योर व्यू कि मार्केट कल कहाँ पे ओपन हो सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।